हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम और पूनम्स किचन चैनल हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूनम्स किचन में आज हम बना रहे हैं एक फ्यूजन रेसिपी। ये फ्यूजन है वेस्ट की चॉकलेट थिंस और इंडिया की चिक्की का, हमारी देसी चिक्की। तो समझिए, हम चॉकलेट चिक्की बना रहे हैं जो कि होगी बहुत ही पतली पतली, वेरी थिन। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आती है और आजकल के हॉलीडे सीजन के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये है एक हेल्दी ट्रीट। इसमें यूज़ करने वाले सारे ही इंग्रेडिएंट्स हम बहुत हेल्दी लेने वाले हैं, और सबसे बढ़िया बात, ये बहुत ही झटपट बन जाती है, मिनटों में तैयार हो जाती है। बस इसको फ्रिज में सेट होने के लिए जो टाइम लगता है उसका तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत रहेगी। ये चिक्की हम बनाएंगे गुड़ से, तो मैंने गुड़ को कद्दूकस कर लिया है और 2 बड़े चम्मच गुड़ है मेरे पास। यहाँ मैं ले रही हूँ डार्क चॉकलेट, आप चाहें तो चॉकलेट कंपाउंड भी ले सकते हैं, बिटर स्वीट चॉकलेट ले लीजिए, वाइट चॉकलेट ले लीजिए, लेकिन मैं क्योंकि हेल्दी रेसिपी बना रही हूँ इसीलिए मैंने डार्क चॉकलेट ली है। ज़्यादा मीठी चॉकलेट मत लीजिएगा, क्योंकि हम गुड़ भी डाल रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। यहाँ मेरे पास 30 ग्राम्स चॉकलेट है, पर 2 बड़े चम्मच गुड़ के लिए सिर्फ 15 ग्राम्स चॉकलेट चाहिए होगी, तो इतनी चॉकलेट से डबल क्वांटिटी बनने वाली है। मैं लूँगी 2 छोटे चम्मच सेसेमी सीड्स, सफ़ेद तिल और अपनी पसंद के नट्स, थोड़े से अखरोट और थोड़े से बादाम। यहाँ पर मैंने एक प्लेट पर पार्चमेंट पेपर बिछा लिया है, इस पर मैं चिक्की स्प्रेड करूँगी। आप चाहें तो आप एल्यूमिनियम फॉइल पर भी स्प्रेड कर सकते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले नट्स को कूट लूँगी। मैं यहाँ ज़िपलॉक में बैग में डालकर बेलन से कूटने लगी हूँ, आप चाहे किचन क्लॉथ में डालकर कूट लें। थोड़ा सा पाउडर कर लें, थोड़े से मोटे मोटे पीसेस, और इसे मैं तिल के साथ मिक्स कर दूंगी, तो यह होगी टॉपिंग। चॉकलेट को मैं माइक्रोवेव में मेल्ट करूंगी। मैंने इसे 20 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव किया, फिर पॉज करके मिक्स किया, फिर दोबारा से 20 सेकंड्स, फिर मिक्स किया और फिर दोबारा से 20 सेकंड्स, तो टोटल 1 मिनट किया है। अभी इसमें कुछ लम्स हैं जो अपनी हीट में मेल्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर मैं गुड़ को मेल्ट करने के लिए एक पैन को हीट पर रख रही हूँ। हीट को लो और मीडियम के बीच में रखा है। पैन गर्म होने पर थोड़ा सा तेल डालूंगी उसमें और ट्रांसफ़र कर दूंगी गुड़। अब गुड़ बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, तो पूरी नज़र रखिए। और जैसे ही गुड़ मेल्ट होगा हम इसे स्प्रेड कर देंगे पार्चमेंट पेपर पर, तो थोड़ी सी क्वांटिटी है, कुछ सेकंड्स में ही मेल्ट हो जाएगा। 55 सेकंड लगे हैं मुझे, और इसे मैं पार्चमेंट पेपर पर डालकर फटाफट से स्प्रेड कर दूंगी। ये स्टेप थोड़ा सा जल्दी करना है, नहीं तो गुड़ जम जाता है, स्प्रेड नहीं हो पाता अच्छे से। और देखिए, मैं एक बार में थोड़ी क्वांटिटी ही कर रही हूँ, इसीलिए मैंने आधी चॉकलेट के लिए ही गुड़ किया है, और इसके ऊपर मैं डाल दूंगी चॉकलेट। चॉकलेट को करूंगी अच्छी तरह से स्प्रेड ताकि पूरे गुड़ के ऊपर कवर हो जाए, और इसके ऊपर मैं डालूंगी हमारा तिल और ड्राई फ्रूट का मिक्सचर। तो अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे, बिल्कुल कोने कोने तक जाए, और अब ये जाएगा फ्रिज में कुछ घंटे के लिए, सेट हो जाएगा तब। 4 घंटे हुए हैं और अब हमारी ये चॉकलेट और ड्राई फ्रूट वाली चिक्की बिल्कुल तैयार है, तो इसे पार्चमेंट पेपर से करते हैं अलग और इसके पीसेस कर लेंगे। ये चिक्की ओवरऑल क्रंची रहती है, तो इसका चॉकलेट वाला पोर्शन है वो ज़्यादा क्रंची होता है, जो गुड़ वाला पोर्शन है उसका टेक्सचर थोड़ा सा सॉफ्टनेस में रहता है। इसको अब प्लेट पर डालते हुए जो आवाज़ आ रही है उससे आपको समझ ही आ रहा होगा कि ये कितनी क्रंची है। बच्चे तो बच्चे, मुझसे रिजिस्ट नहीं हो रहा है, और टेस्टी तो बहुत ही है। बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाली है, आप विंटर्स में ज़रूर बनाइएगा ये अपने घर में, चॉकलेट और ड्राई फ्रूट की चिक्की। हेल्दी ट्रीट है, बिल्कुल गिल्ट फ्री अपने बच्चों को दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पर ये सैम्पल है वाइट चॉकलेट के साथ भी, ये भी खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है, पर डार्क चॉकलेट वाइट चॉकलेट से ज़्यादा हेल्दी है। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने बाकी सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करें, और पूनम्स किचन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन याद से क्लिक कीजिएगा, ताकि फटाफट से आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।